नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेक्नो स्पार्क गो 2022 में। दोस्तों कैम्बो के लिए प्रॉब्लम है, दोस्तों ये देख पा रहे हैं फ़ोन में, फ़ोन पानी में गिरने से इसके कैम्बो पे लाइनें आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये कॉम्बो इसका ख़राब हो चुका है। इस कैम्बो को हम रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले इसका बैक पैनल ओपन करना है दोस्तों, इसका हमने बैक पैनल निकाल दिया है, इसके सारे स्क्रू ओपन कर देना है दोस्तों। चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। सारे स्क्रूज के निकाल देना है दोस्तों, इसमें पीछे का सिरा भी खोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें पीछे पीसीबी पर भी इसका चार्जिंग का पट्टा लगा होता है, और इसको भी हटा देना है दोस्तों। वीडियो स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। इस बैटरी पंच को हटा देंगे और इस बैटरी को हम निकालेंगे, ये कैम्बो का पट्टा खींच करके इसको निकाल देंगे बैटरी को दोस्तों। हमने बैटरी निकाल दी है और ये दोनों पंच हटा करके दोस्तों, कैम्बो टूटा नहीं है, पानी में गिर जाने से कैम्बो ख़राब हो गया है दोस्तों, इसको निकाल देना है बाहर दोस्तों। इसको ब्लेड की मदद से निकालेंगे क्योंकि बहुत तरीके से लगा होता है दोस्तों। टेक्नो स्पार्क गो 2022 वाटर डैमेज फ़ोन दोस्तों, पानी में गिरने से इसका कैम्बो ख़राब हो गया है दोस्तों। इस पुराने कैम्बो को निकाल देंगे और हम नया कैम्बो लगा करके चेक करेंगे, इसके बाद हम इसको गम लगा करके चपकाएंगे अच्छे तरीके से दोस्तों। हमने इसका कैम्बो हटा दिया, इसके बाद इसकी चारों साइडें साफ़ कर लेनी है, और ये रहा हमारा नया कैम्बो। इसको दोस्तों सबसे पहले हम लगा करके चेक कर लेते हैं, इसके बाद हम गम लगा करके चिपकाएंगे दोस्तों। इसमें ये जो पीसीबी का पट्टा है इसको आसानी से लगाना है क्योंकि ये नीचे दब जाता है दोस्तों। इसको अच्छे तरीके से हमने निकाल दिया है बाहर, और इस पीसीबी में हम लगा करके एक बार चेक कर लेंगे सबसे पहले कैम्बो। यदि हमारा कैम्बो सही है तभी हम इसको गम लगा करके चपकाएंगे दोस्तों। मदरबोर्ड में इसको पंच कर देते हैं अच्छे तरीके से दोस्तों। एक बार हम पहले पावर ऑन करके देख लेंगे, यदि हमारा कैम्बो सही है तभी इसको हम लगाएंगे गम लगा करके दोस्तों। पावर ऑन करके एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, पावर ऑन हो चुका है, आप देख पा रहे हैं हमारा फ़ोन। थोड़ा वेट कर लेना है दोस्तों। दोस्तों टेक्नो स्पार्क गो 2022 में कैम्बो रिप्लेस करके दिखा रहे हैं दोस्तों। ये हमने इसका पैटर्न खोल दिया, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, फोल्डर को चेक करके ही लगाएं दोस्तों। फ़ोन हमारा पावर ऑन हो चुका है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, अगर फोल्डर हमारा सही से काम कर रहा है तो हम इसको गम लगा करके चिपका देंगे दोस्तों। इसको अच्छे तरीके से कीपैड चेक कर लेना है पहले दोस्तों, सारे कीपैड काम कर रहे हैं इसके, और ये सारी होम बटन, कैंसिल बटन, सारी बटन ये कंप्लीट हैं दोस्तों। अच्छे तरीके से कॉम्बो वर्क कर रहा है। अब इसको हम एक बार पावर ऑफ कर देंगे दोस्तों। टेक्नो स्पार्क गो में कैम्बो किस तरीके से रिप्लेस करके आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों। इसको हम बैटरी को निकालेंगे, और ये रहा हमारा कैम्बो, इसको भी आसानी से निकाल देना है, और ये चारों साइडें साफ़ कर लेना है, और गम लगा करके आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। कैमरे के पास विशेष ध्यान रखें, कैमरे के पास गम नहीं लगना चाहिए दोस्तों। इसके चारों साइड में हमने गम लगा दिया है दोस्तों। कॉम्बो लगाने से पहले इसमें जो सील लगी इसको काट देंगे दोस्तों, इसकी हमने सील काट दी है, और इसको बहुत आसानी से लगाना है क्योंकि इसमें अगर गम पट्टे में लग जाएगा तो प्रॉब्लम कर सकता है कॉम्बो
दोस्तों हमने इसको अच्छे तरीके से बैठा दिया है। दोस्तों इसको अच्छे तरीके से चिपकाना है, क्योंकि अगर ये यार इसमें रुक जाएगी तो कॉम्बो अच्छे तरीके से नहीं चिपकेगा। दोस्तों ये रहा इसका पंच, इसको हम पंच कर देते हैं। दोस्तों वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। और इसको पंच को लगाने के बाद ये इसकी बैटरी भी अच्छे तरीके से लगा देना है। दोस्तों इसकी बैटरी हमने इसकी पंच कर दी है और इसके सारे स्क्रू लगा देना है। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों किसी भी फ़ोन की सेटिंग हो या कोई भी रिपेयरिंग से संबंधित कोई भी चीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये हमने इसका बैक पैनल लगा दिया, एक बार हम पावर ऑन करके चेक कर लेते हैं। दोस्तों हमारा फ़ोन पावर ऑन हो चुका है। दोस्तों टेक्नो स्पार्क गो 2022 में कैम्बो रिप्लेस कैसे करते हैं, दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको बताया। इसमें अच्छे तरीके से सारी में रबड़ लगा देनी है, क्योंकि कॉम्बो अच्छे तरीके से, दोस्तों एयर रुक जाएगी तो कैम्बो नहीं बैठेगा अच्छे तरीके से। हमने इसको लगा दिया है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।